दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की एफटीसी कोर्ट्स में जो भर्ती चल रही है, तो उसके सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड आ चुके हैं जो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होंगे इसकी हम इसी वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, कैसे प्रोसेस है पूरा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम मोटिवेशन संबंधी, स्टडी मटेरियल संबंधी और न्यू रिक्रूटमेंट जॉब संबंधी जानकारी देते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एफसीसी कोर्ट की जो भर्ती चल रही है उसमें ग्रुप डी का फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन हुआ था। ऐसे ही सेम पैटर्न पे और सेम सिलेबस पे ये सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है जो होगा 30 नवंबर 2017 को। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ओएमआर सीट बेस्ड एग्ज़ाम है। तो और इसमें भी वही पैटर्न है जो पहले था, जो प्री परीक्षा कह सकते हैं या स्टेज फर्स्ट परीक्षा में जो प्रोसेस था वही है, 100 क्वेश्चन। दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे और उसमें लिखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो देखो इस तरीके से खुल के आएगा। अब ये मैं मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ आपको, तो इस तरीके से करके आएगा। तो इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का नीचे सबसे दिया है रिक्रूटमेंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो जिससे कि हम जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है उस पर चले जाएँगे। यहाँ पर देखिए पहले ही पे लिख के आ रहा है, पहले नंबर पर ही ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट कोड 3 क्लास 4th। ठीक है, तो उसके HTML पे क्लिक करते ही हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नोटिस डाला गया है, इसमें लिखा है द ई एडमिट कार्ड ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन ऑफ OMR सीट ऑफ क्लास 4th पोस्ट कोड 3 अंडर द उत्तर प्रदेश फास्ट ट्रैक कोड या एडिशनल कोड एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ICT पोस्ट रिक्रूटमेंट 2017। और ये एग्जामिनेशन होने वाला है 30/11/17 को। तो इसके डाउनलोड करने के लिए जो नीचे लिंक है लास्ट में, इस पे जाएंगे हम, तो देखो हम जो वेबसाइट है उस पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसमें सारी डिटेलें पहले से ही पड़ी हैं, तो अगर हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना तो ये देखिए ये लिखा है फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड लॉग इन फॉर एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लॉग इन के लिए पहुँच जाएँगे, और लॉगिन का ऑप्शन आते ही यहाँ पे अपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूज़र आईडी है, जो भी है वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों